बरेली से, जहां प्रेम नगर थाना क्षेत्र के शास्त्री नगर निवासी अनीता और उसके पति सुशील और उसकी बेटी समीक्षा कार के चालक प्रेम नगर थाने के पंजाबपुरा निवासी सुशील कुमार आज सुबह घायल अवस्था में जिला अस्पताल लाया गया। दुर्घटना की सूचना मिलने पर अस्पताल पहुंचे घायलों के घर वालों ने बताया कि अनीता ने लगभग एक वर्ष पूर्व अपनी बेटी का विवाह लखनऊ निवासी गौरव से किया था। कुछ दिन पहले अपने मायके आई थी। आज अनीता बेटी को छोड़ने के लिए कार से लखनऊ जा रहा था। रास्ते में ही जब उसकी कार फतेहगंज पूर्वी थाना इलाके में पहुंची, तभी अचानक सामने से आ रही एक तेज रफ्तार स्कॉर्पियो कार ने उनकी कार को टक्कर मार दी। अनीता और उसकी कार में सवार सभी चार लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। टक्कर मारने वाली कार में सवार सभी लोग कार को मौके पर ही छोड़कर फरार हो गए। उन्हें इलाज के लिए निजी अस्पताल ले गए। घायलों में कई की हालत नाजुक बताई जा रही है। घटना के बाद पुलिस ने टक्कर मारने वाली स्कॉर्पियो कार कब्जे में लेकर उसकी तलाशी ली। उसमें से 4 करोड़ कीमत की स्मैक के पैकेट बरामद हुए, जिनका वजन 4 किलो के लगभग है। पुलिस ने कार को कब्जे में लेकर उसके मालिक और चालक के विरुद्ध कार्रवाई शुरू कर दी है। वो गाड़ी टकरा करके आगे जाकर के पंचर हो गई, लेकिन अभी उसकी कोई जानकारी पूरी पक्की हमको मिली नहीं है। ये गाड़ी किस विषय में कुछ नहीं पता है। ये घटना सुबह 7:30 बजे की बता रहे हैं। जो जो मेरा भाई है ड्राइवर है, जो वो यहाँ रहता है गुलाम नगर बजरिया में, बाकी लोग यहाँ शास्त्री नगर के हैं। क्या नाम भैया आपका? मैं PN सक्सेना है। आपके कौन से? ये हमारे बहनोई और बहन और ये भांजी है। कहाँ जा रहे थे ये लोग? लखनऊ की तरफ जा रहे थे कि अपनी गाड़ी से, तो वहाँ किसी गाड़ी से एक्सीडेंट हो गया कटरा के पास। कहाँ पर हुआ ये? कटरा के पास। कितने लोग घायल हुए? ड्राइवर समेत 3 लोग ये हैं और एक ड्राइवर। 4 लोग। मैडम क्या करती थी? वो यहाँ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में ही थी। इसी 31 मई को रिटायर हुई है। आज दिनांक 5 जून 2021 को लखनऊ दिल्ली राष्ट्रीय राजमार्ग पर थाना फतेहगंज पूर्वी में 2 गाड़ियों के बीच में एक्सीडेंट हुआ था, जिसमें एक सेंट्रो गाड़ी में 4 लोग इंजर्ड हुए थे, जिनको वास्तविक इलाज हेतु जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया था। दूसरी गाड़ी में जो लोग थे वो मौके से फरार हो गए थे। जब उस गाड़ी की तलाशी ली गई तो उस गाड़ी में 4 पैकेट आपत्तिजनक हालत में मिले। फील्ड यूनिट को मौके पर भेजकर उसकी तस्दीक कराई गई, तो उसमें स्मैक बताई गई जो 4 किलोग्राम से जिसकी मात्रा अधिक है और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इसकी कीमत 4 करोड़ रुपए बताई जा रही है। गाड़ी के मालिक के विरुद्ध इस संदर्भ में मुकदमा पंजीकृत कराया जा रहा है। साथ ही साथ उसमें 2 आधार कार्ड और 1 ड्राइविंग लाइसेंस भी मिला है, जिसके संदर्भ में भी विधिक कार्रवाई की जा रही है। इस संदर्भ में थाना फतेहगंज पूर्वी में NDPS में मुकदमा भी पंजीकृत किया है, तथा जो इस गाड़ी में मौजूद लोग थे उनके विरुद्ध गिरफ्तारी के सार्थक प्रयास जारी है। देखते रहिए DB भारती समाचार, नजर हर खबर पर।